हेलो दोस्तों, वेलकम इन द चैनल। आज हम आपको बताएंगे वोकैब ट्रिक्स जो एसएससी के सीजीएल एमटीएस और सीजीएसएल एग्जाम्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पहले आज हमारा जो वोकैब ट्रिक्स है वो पहला वर्ड है वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध यानी कि बदला। वेंजियंस और इसका साइनोनिम्स जो है साइनोनिम्स वो है रिट्रीब्यूशन एंड रिटर्न। तो आपको जानना है वेंजियंस को आपको याद कैसे करना है। वेंजियंस को तो वेंजियंस को आपको याद करना है वन में जींस। देखिए फ्रेंड्स, वन में जींस यानी कि अगर आप वन में जींस पहन के जाएंगे तो आपको जो आदिवासी लोग हैं वो आपसे बदला लेंगे। यानी वेंजियंस को से आपको याद रखना है प्रतिशोध यानी कि बदला। वन में अगर आप जींस पहन के जाइएगा तो प्रतिशोध यानी आदिवासी लोग आपसे बदला लेंगे। यानी वेंजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध और इसका जो साइनोनिम्स है वो है रिट्रीब्यूशन एंड रिटर्न। उसी तरह फ्रेंड्स इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। आपको याद कैसे रखना है इंडियन रेंट। जो लोग रेंट में रहते हैं इंडिया के लोग इंडोलेंट यानी कि इंडिया के लोग जो रेंट में रहते हैं वो आलसी होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि इंडिया के जो लोग इंडोलेंट यानी इंडिया के जो रेंटर है वो आलसी होते हैं। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर और इसका सर्वनाम से केयरफुल सर्कमस्पेक्ट्स। चतुर प्रूडेंट आपको याद है कैसे रखना है पूरी दाद। प्रूडेंट का जो बैकवर्ड है वो पूरी दाद थे। पूरी दाद सफेद होती है वो चतुर होते हैं। पूरी दाद यानी आप इसे याद रख सकते हैं जिस व्यक्ति की पूरी दाद भी आ जाती है वो चतुर होते हैं। तो पूरी डेंट यानी पूरी दाद जो प्रूडेंट होते हैं वो चतुर होते हैं। ऑब्नोशियस का मतलब होता है हानिकारक। ऑब्नोशियस का मतलब होता है हानिकारक। इसका सर्वनाम से हार्मफुल और बैनफुल। ऑब्नोशियस यानी कि अब नक्सली ये इसका पेगवर्ड है। ऑब्नोशियस का पेगवर्ड है अब नक्सली। अब नक्सली लोग क्या है हानिकारक है देश के लिए। अब नक्सली हानिकारक है यानी ऑब्नोशियस से आपको याद रखना है हानिकारक। ऑब्नोशियस से याद रखना आपको नक्सली और नक्सली क्या है देश के लिए हानिकारक है। ऑब्नोशिया आपको याद रखना है नक्सली क्या है देश के लिए हानिकारक है। ऑब्नोशियस अब नक्सली हानिकारक इसका साइनोनिम से हार्मफुल और बैनफुल। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट और ओवरकम यानी कि आपके पेरेंट आपके जो पेरेंट है आपके जो गार्जियन है आपके जो पेरेंट है आपके पेरेंट बहुत स्पष्ट है आपसे बहुत स्पष्ट है। अपेरेंट आपके पेरेंट स्पष्ट है इसका मतलब होता है ओवरकम आपके पेरेंट बहुत स्पष्ट है। पेरेंट का मतलब होता है ओवरकम स्पष्ट। इनऑर्डिनेट इसका पेगवर्ड है इन ऑर्डर। आपको इंटरनेट में आपने कोई चीज प्रोडक्ट इंटरनेट पे बेचना शुरू किया और आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑर्डर मिलने लगी यानी इनऑर्डिनेट बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्डर यानी अत्यधिक। तो इनऑर्डिनेट से आपको याद रखना है अत्यधिक। इनऑर्डिनेट
इन ऑर्डर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में इन ऑर्डर मिल रही है, आप कोई भी चीज की प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऑर्डर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है, तो आप इनऑर्डिनेट यानी अत्यधिक, अत्यधिक यानी सरप्लस, सुपरफ्लुअस, ये साइनोनिम से सुपरफ्लुअस और सरप्लस। सात नंबर पे देखिए मोरोस, मोरोस आप किसी का एक कहावत है सुबह सुबह किसी का मुंह देखने से मोरोज, यानी कि मोरोज से आपको याद रखना है मोरोज, ये इसका पेगवर्ड है, मोरोज का जो पेगवर्ड है ये मोरोज, तो मोरोज आपने किसी आपने किसी दुश्मन की दो मोरोज मुंह देख ली और आप उदास हो गए यानी चिड़चिड़े हो गए, यानी आप चिड़चिड़े हो गए यानी मोरोज, आपने किसी की भद्दे व्यक्ति की मुंह देख ली और आप चिड़चिड़े हो गए यानी मोरोज, तो मोरोज से आपको याद रखना है मोरोज, मोरोज का मतलब होता है दुख यानी कि उदास, उदास यानी अनहैप्पी या सैड, तो मोरोज का मतलब होता है उदास। अब एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश का जो पेगवर्ड है, एडमोनिश का जो पेगवर्ड है वो है आजमुनि, एडमोनिश का जो पेगवर्ड है वो है आजमुनि, एडमोनिश का जो पेगवर्ड है दोस्तों वो है आजमुनि, तो आजमुनि ने क्या किया, आजमुनि ने बाढ़ आने की चेतावनी दी, आजमुनि ने बाढ़ आने की चेतावनी दी, आजमुनि ने साइक्लोन आने की चेतावनी दी, तो एडमोनिश मुनि, यहाँ पे देखिए मुनि, तो मुनि से आपको याद रखना है एडमुनि यानी आजमुनि, मुनि ने चेतावनी दी यानी एडमोनिश, एडमोनिश के मतलब होता है चेतावनी यानी कि वार्न एंड नोटिस, एडमोनिश चेतावनी। डेवियस, डेवियस यानी देवी, ठीक है, तो डेवियस का जो पेगवर्ड है वो है देवी, डेवियस का जो पेगवर्ड है DEVIOUS, डेवियस का पेगवर्ड जो है वो है देवी, तो जो देवी का रास्ता है जो वैष्णो देवी, वैष्णो देवी आप इसे याद रख ले, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, तो जो वैष्णो देवी, देवी से आपको याद रखना है वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी का जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो जाने का जो द्वार है वो बहुत ही घुमावदार है, यानी कि बहुत घुमावदार यानी डायरेक्ट नहीं है वो घुमावदार है, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, तो डेवियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट घुमावदार। एमिटी, एमिटी यानी कि अमिटी, अमिटी मींस होता है, अमिटी मींस होता है मित्रता, मित्रता यानी फ्रेंडलेस, फ्रेंडलाइननेस एंड एमिकेबलनेस, तो एमिटी का मतलब होता है मित्रता यानी कि मिट्टी, एमिटी से आपको याद रखना है मिट्टी, जो आपकी देश की मिट्टी है, जो आपकी देश की मिट्टी है उससे आपको मित्रता है, उससे आप क्लोजनेस है, फ्रेंडलाइननेस है, तो एमिटी से आपको याद रखना है मित्रता। सो फ्रेंड जितने भी वोकैब ट्रिक्स 1 to 10 आई होप आपको आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और इसी तरह आप हमारे चैनल में बने रहे क्योंकि मैं आपके लिए लाऊंगा ढेर सारी वोकैब ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो गुड बाय फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।